नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर ले लेती है जो साबित करता है कि मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। मगर उन्होंने कई मौकों पर यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी की भी सगी नहीं है, चाहे उनका वोट बैंक कहे जाने वाला मुस्लिम वोटर ही क्यों ना हो। इसी बीच ममता बनर्जी ने कोरोना संकट के बीच ऐसा फैसला लिया है जो मुसलमानों के लिए काफी घातक हो सकता है। ये फैसला साफ करता है कि उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और उनकी जान की दुश्मन है। दरअसल टीएमसी के मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसी महीने से हर हफ्ते 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इसमें गुरुवार और शनिवार के दिन को रखा गया है, मगर शुक्रवार को छोड़ दिया गया है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा है और इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार का दिन बेहद अहम होता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं। देश में यह पहली बार है जब इस तरह का लॉकडाउन किया गया है। सोचिए, जहां एक तरफ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं ममता बनर्जी ने जुमे के दिन के लिए खुली छूट दे दी है। ऐसे में जब मुस्लिम समुदाय के लोग भीड़ जमा करके नमाज अदा करने के लिए ईदगाह या मस्जिद पहुंचेंगे, तो फिर कोरोना का खतरा कितना बढ़ सकता है उसे आप भलीभांत समझ सकते हैं। अगर इस भीड़ में से एक भी इंसान को कोरोना हुआ तो वो सभी को इसकी जद में ले सकता है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ममता बनर्जी भी इस पर रोक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि पहले से ही बंगाल में कोरोना से हालात खराब है। कोरोना काल में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान किस तरह से बंगाल में बाजार खुले रहे, यहां तक कि कई जगह मस्जिदों में नमाज अदा करते हुए भी लोगों को पाया गया, ये पूरा देश देख चुका है। मगर फिर भी बंगाल की सीएम लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। तो वही शुक्रवार को छोड़कर लॉकडाउन करने पर विपक्ष ने भी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन धर्म के आधार पर किया जाता है। ममता बनर्जी ने गुरुवार और शनिवार को पूरी तरह से लॉकडाउन किया है, लेकिन शुक्रवार को छूट दी है। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होकर नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने शुक्रवार को लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त को बकरीद है और इस दिन भी लॉकडाउन नहीं होगा। इसको लेकर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं। वैसे आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला लेकर मुस्लिम समुदाय के साथ घटिया मजाक किया हो और साबित किया हो कि वो किसी की भी सगी नहीं है। इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर देश भर में चल रहे लॉकडाउन 4 के बीच जब बड़ी तादाद में एएमयू में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों को प्रदेश में लाने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ने ट्रेनें भेजी थी, तो उस वक्त भी इन छात्रों को अव्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ा था। ममता सरकार की ओर से की गई ट्रेन की लचर व्यवस्था के चलते एएमयू के छात्रों को स्लीपर की जगह जनरल बोगी में बैठना पड़ गया था। इसमें भी हैरान करने वाली बात यह थी कि मथुरा से पश्चिम बंगाल के लिए सवार हुए इन छात्रों को खाना पानी तक नहीं मिला था। इसके अलावा कोरोना काल में जब पश्चिम बंगाल के पत्रकार शेख शफीकुल इस्लाम ने ममता बनर्जी की नाकामियों को उजागर करना शुरू किया, तो इस पत्रकार को बंगाल प्रशासन की ओर से चैनल बंद करने और जान से मारने तक की धमकियों का शिकार होना पड़ा था। यानी कि साफ है कि ममता बनर्जी को किसी की भी फिक्र नहीं है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ वोट से ही मतलब है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।